Good morning. In this lecture, we are going to discuss about vectors. इस लेक्चर में बात करेंगे वेक्टर क्लासेस के इंट्रोडक्शन में. ये लेक्चर एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर. दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, एक लेक्चर ये और एक इसके बाद एक लेक्चर और बनाऊंगा मैं, उसमें वेक्टर क्लासेस को कंप्लीट डिस्कस करेंगे. क्या होता है, कैसे होता है, करना क्या है, मतलब एम क्या है इसका, चल कहाँ पर रहा है सारे, और एंड प्रोडक्ट क्या है. तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट एसिड. जहाँ पर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का स्प्लिट होता है और दो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं पाइरूवेट एसिड. थ्री फेजेस एस प्रोसेस होते हैं, बट 10 स्टेप्स के अंदर एक घंटे होगा. स्टेप्स की बात करें तो उन्होंने 10 स्टेप्स आगे, लेकिन फेजेस की थ्री है, थ्री डिफरेंट फेजेस हैं जिसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा. फर्स्ट फेज इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, सेकेंड फेज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरनिहाई, थर्ड फेज इज कन्वर्जन ऑफ फॉस्फोग्लिसरनिहाई टू पाइरूवेट. तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉस्फोराइलेशन होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉस्फोराइलेशन के बाद में जो मैं कंडीशन ये है कि थोड़ा सा कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है, वही जैसे आज माइक नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा मोबाइल में पास रहकर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को एक जनरल आइडिया हो जाएगा लाइव क्लासेस का. नहीं भी होता है तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा लाइव क्लासेस को पूरा, जितने भी इसके एंजाइम्स हैं, कहाँ ये फॉर्म हो रही है, कहाँ आप रेस्ट कर रहे हैं, तो सारा इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे. उसके उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एडीपी का गेन एंड लॉस, वो लेक्चर काफ़ी लंबा होगा और उसमें वो सारा डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल, उसमें सिक्स कार्बन प्रेजेंट होते हैं, C6H12O6. फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ग्लूकोज एक सबसे सिंपल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसे फॉर्मेशन करना है हमें आगे. जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम मैंने बताया था आपको पाइरूविक एसिड, उसमें थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स, एक सिंपल सा मैंने बताया आपको ग्लूकोज जिसमें सिक्स कार्बन है उससे पाइरूविक एसिड बन रहा है. पाइरूविक एसिड में थ्री कार्बन है, तो जब सिक्स कार्बन से थ्री कार्बन पार बन रहे हैं यहाँ पर टू पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. जो दो पाइरूविक एसिड बन रहा है पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उनका फॉर्मूला है C3H4O3. यहाँ पर C3H4O3 फॉर्मूला है पाइरूविक एसिड का, C6H12O6 से इसका पाइरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पर सिंपल से बात करें ग्लाइकोलाइसिस का क्या होगा, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत बीच में आपको बता रहा हूँ. तो ग्लूकोज होगा यहाँ पर, ग्लूकोज से फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज से फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फॉर्मेशन होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा. फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से फॉर्मेशन होगा 3-PGAI, 3-फॉस्फोग्लिसरनिहाई. यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 3-फॉस्फोग्लिसरनिहाई. थ्री फॉस्फोग्लिसरनिहाइड के साथ में इसका एक आइसोमर बनता है, ये थ्री कार्बन बनेगा इसके साथ में इसका एक आइसोमर भी बनेगा, दैट इज DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट. थ्री पीजीएल से फॉर्मेशन होगा डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट. यहाँ पर थ्री पीजीएल से आपकी फॉर्मेशन है,
कीजिए, 1-3 डाइफॉस्फोग्लिसरेडीहाइड, 1-3 डाइफॉस्फोग्लिसरेडीहाइड से फॉर्मूला फंक्शन कर रहे हैं।